बॉलीवुड इंडस्ट्री में जब खूबसूरत अभिनेत्रियों का नाम लिया जाता है तो उस लिस्ट में अभिनेत्री रेखा का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। तो आज तक अपनी खूबसूरती से लोगों को कायल करती आ रही हैं। आज बेशक रेखा फिल्मों में काम ना करती हो, लेकिन इनकी कमाई के मामले में आज रेखा भी पीछे नहीं है। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको रेखा की कुल संपत्ति के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि रेखा की आज कितनी संपत्ति की मालकिन है तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। साथ ही रेखा की खूबसूरती के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा की गिनती बॉलीवुड की सबसे टॉप एक्ट्रेस के रूप में होती है। 2012 के आईफा अवार्ड्स में उन्हें भारतीय सिनेमा की रानी का नाम दिया गया था। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में भारत में हुआ था। उन्होंने निर्देशक मीरा नायर के काम सूत्र ए टेल ऑफ लव में अभिनय किया था। वह पहली बार 1966 में एक बाल अभिनेत्री के रूप में रंगूला रत्नम नाम तेलुगु फिल्म में दिखाई दी थी। रेखा की सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी की कीमत को जोड़ दें तो नेटवर्थ tomk.com के मुताबिक उनकी नेटवर्थ $40 मिलियन यानी करीब 25 अरब रुपए है। अब आप सोच रहे होंगे कि रेखा तो अब फिल्मों में काम नहीं करती तो वह इतने करोड़ रुपए की मालकिन कैसे हैं? तो हम आपको बता दें कि रेखा राज्यसभा की सांसद है। बांद्रा के ब्रांड स्टैंड एरिया में जिस बंगले में रेखा रहती हैं, इसकी कीमत करोड़ों में है। उन्हें सालाना सैलरी और भत्ते के तौर पर 65 लाख रुपए मिलते हैं। रेखा के नाम पर मुंबई और दक्षिण भारत में कई प्रॉपर्टीज हैं, जिन्हें उन्होंने रेंट पर दे रखा है। प्रॉपर्टी के अलावा रेखा को गोल्डन साड़ियों का काफी शौक है। अगर आप उनके बंगले में उनकी अलमारी देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अलमारी में रेखा के महंगे महंगे साड़ियों का कलेक्शन है। साथ ही उनमें मैचिंग ज्वेलरी कलेक्शन भी रेखा के पास बहुत है, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में है। रेखा ज्यादातर गोल्डन कलर की साड़ी में ही देखी जाती हैं, लेकिन उनके पास गोल्डन कलर की साड़ियों का कलेक्शन बहुत ज्यादा है और उनकी कीमत भी करोड़ों में है। तो दोस्तों, आपको रेखा की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है, उस फिल्म का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।